आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स पे बात करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट का, जिसमें हमें डबल इंटीग्रल अगर हमें गिवन है, हमें इसे लेकर जाना है पोलर कोऑर्डिनेट में, आर डी आर डी थीटा। तो हम बजाय ये कि इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखें, हम पोलर कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड करते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम जानते हैं कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, इस एक्स वाई को, इस पॉइंट को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है, तो इससे हम एक कोई भी पॉइंट है वो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। अब अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस नहीं होते, इसमें एक पोलर एक्सिस होगा, पोलर एक्सिस कहते हैं इसको। हमने कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना है पोलर एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसे हम रे कहते हैं। ओरिजिन से उस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे, इस रे का एक मैग्नीट्यूड होगा, यहां से लेकर यहां तक ये मैग्नीट्यूड होगा इसको, इस मैग्नीट्यूड का नाम आर है। और ये जो रे है इसका पोलर एक्सिस से एंगल बन रहा होगा थीटा। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट टी को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम आर और थीटा कह देंगे। आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की भी बात करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। अब कोई पॉइंट अगर हमें दिया जाए, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हमने सीखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से किसी पॉइंट तक एक्स होगा और उससे वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो वाई होगा, लेकिन किसी पॉइंट को हम आर थीटा में भी लिख सकते हैं, इसको हम आर थीटा में भी लिख सकते हैं। ओरिजिन से एक लाइन हमें एक रे ड्रॉ करनी होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आर कहलाएगी, और ये जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा कहलाएगा। यहाँ से हमें पता है कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाई है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको वेक्टर मैंने सिर्फ आपके लिए शो किया है, ये बेसिकली लेंथ है, हम इसको x कह रहे होंगे। यहां से आप देखिए, अगर ये पॉइंट पी एक्स वाई है तो यही पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा, ये पॉइंट नहीं होगा, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। r यहाँ पर r डिनोट करता है लेंथ को, और थीटा डिनोट यहाँ पर शो करता है एंगल को। साइन थीटा अगर आप देखिए तो साइन थीटा होगा वाई ओवर आर, और कॉस थीटा इक्वल होगा एक्स ओवर आर, और यहां से हम
वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो होगा आर इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक्स हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अगर पोलर से कार्टेशियन में जाना होगा, आर थीटा से कार्टेशियन में जाना होगा, पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना होगा, तो हमें लिखना होगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरह से अगर हमें जब जरूरत पेश आए कि आपने कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट जाना होगा, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये लिखेंगे, और थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसको हमने कैसे निकाला है, आप इन दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, जो कि होगा एक्स ओवर y ओवर x, तो यहाँ से हमें टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये कन्वर्जेंस को देख रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी पॉइंट x y अगर हमारे पास है तो हम उसे r थीटा में लेकर जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पॉइंट x y है वो मुश्किल या कोई भी कर्व है एक्स वाई में वो मुश्किल होता है, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आर थीटा में। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वन, फाइंड दी rectangular coordinates of the point q 3 5 pi by 6, यानी के हमारे पास r 3 है, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर वो हमारे पास 3 है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो 5 pi by 6 है। इसका सलूशन हमें चाहिए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक ही बात है, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन ये एक जैसे होंगे। तो अगर हमने आर थीटा से एक्स वाई में जाना है तो आपको पता है कि इक्वेशन है x is equal to r cos theta, r की वैल्यू आप पुट कर दें 3, और cos theta होगा 5 pi by 6, और यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 3 minus under root 3 by 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -3 √3/2, ये x आ जाएगा। इसी तरह से जब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसकी इक्वेशन होगी y is equal to r sin theta, r यहाँ पर होगा 3, r is 3 sin 5 pi by 6, और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 by 2। तो
पॉइंट में मिल जाएगा माइनस थ्री अंडर रूट थ्री बाय टू, और वाई हमें मिलेगा थ्री बाय टू। तो ये एग्जांपल थी जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। जिसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें। फाइंड दी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, और पॉइंट है 3, 2। इसका सॉल्यूशन आप देखिए। अब हमें R और थीटा चाहिए, तो R के लिए इक्वेशन हमें पता है। R हमारे पास है R स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और R को हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के साथ। x की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 अंडर रूट, और ये अप्रोक्सीमेटली है 3.6। ये हमने r निकाल लिया। अब थीटा निकालने के लिए पता है कि रिलेशन क्या होगा। थीटा इज टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और यहां से ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स y है 2 और x है 3, टेंजेंट इनवर्स 2/3, तो थीटा हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 0.588। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट R 3.6 है, और थीटा हमारे पास 0.588 होगा। तो इस लेक्चर में हमने सीखा है कि हम कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे, और हमने ये सीखा है कि इसकी क्या जरूरत पेश आती है, क्योंकि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बाज़ूकात काम करना मुश्किल होता है, मैथमेटिक्स उसका मुश्किल होता है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।